स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार इस ध्येय के साथ नई शिक्षा नीति लागू कर रही है जिससे पढ़ाई के साथ बच्चों का कौशल उन्नयन भी हो। जब बच्चा पढ़ के निकले तो उसमें इतना कौशल हो कि वह आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति से बच्चों को अच्छी शिक्षा तो मिलेगी, साथ ही उनका कौशल उन्नयन भी होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह शनिवार को ग्वालियर में सेठ एम आर जयप्रिया स्कूल के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। ग्वालियर में छोटी कक्षाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त स्कूल खोलने के लिए उन्होंने जयप्रिया स्कूल समूह प्रबंधन को बधाई दी। साथ ही आशा व्यक्त की कि यह स्कूल ग्वालियर के बच्चों को सुनहरा भविष्य गढ़ने में अपना योगदान देने में सफल होगा। यहाँ सचिन तेंदुलकर मार्ग पर स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेन्द्र बर्ग, क्षेत्रीय विधायक सतीश सिकरवार, स्कूल शिक्षा मंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती मंजूषा, जयप्रिया स्कूल समूह के निदेशक कनक गुप्ता, स्कूल प्रबंधन से जुड़े अमित दुबे सहित स्कूल प्राचार्य एवं अन्य पदाधिकारी मंचासीन थे। सेठ एम आर जयप्रिया स्कूल का उद्घाटन किया। कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जो संस्कृति, भारत के जो बच्चे थे वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित। ऐसा नहीं मानना, मुझे लगता है आपने मेरा सुना नहीं उद्बोधन। आपने अगर सुना होता तो प्रश्न नहीं करते। इससे पहले मैंने उनसे अपेक्षा की कि आपके यहाँ से निकले हुए बच्चे राष्ट्रवाद को आगे ले जाएंगे, और ये वो स्कूल है जिन्होंने अपना शुरुआती दौर बताया कि संस्कृत का पाठ यहाँ पर अध्ययन कराएंगे और भारतीय संस्कृति को शिक्षा देने का एक काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रही, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्कूल देश में हो नहीं रही, हो चुकी थी, उसको वापस लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में नई एजुकेशन पॉलिसी में होगा।